हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक विद स्वीटी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मैंगो के अचार की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों का यूज होता है पर खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। साउथ इंडियन स्टाइल आम का अचार बनाने के लिए आपको सबसे पहले आधा किलो आम लेना है, और आम का अचार बनाने के लिए आपको एकदम कच्चे वाले आम का यूज करना है, पके वाले आम का यूज नहीं करना है। अब आपको आम को बिना छीले इस तरह से काट लेना है, और आम को आपको इस तरह से एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं काट रही हूँ आपको भी उसी तरह से काटना है। ये देखिए, आपको इस तरह से बारीक बारीक पीस इसके काट के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने पूरे आधा किलो आम को अच्छे से काट लिया है। अभी आपको इसको साइड में रख देना है। अब आपको एक कढ़ाई लेना है, और कढ़ाई में एक चम्मच मेथी दाना डालना है, और एक चम्मच डाल देना है सरसों के बीज, और आपको दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, मेथी दाना और सरसों के बीज अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और आपको इनको कुटनी में डाल देना है। आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, पर कुटनी से इसमें थोड़ा सा दरदरापन आता है, जिसके कारण अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से कूट कूट के पाउडर के फॉर्म में रेडी कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ी सी दरदरी है, इसी से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आपको एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लेना है। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर तेल का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल तेल का या सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हो। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको इसमें 1 चम्मच डाल देना है सरसों के बीज। फिर आपको इसमें करी पत्ता डाल देना है, मतलब की मीठी नीम। अब आपको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो गैस का फ्लेम है आपको बंद कर देना है। आम और मसालों को मैं इसी में मिक्स करूंगी, इसलिए मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ, ताकि जो मेरा आम है वो ज्यादा पक ना पाए। अब आपको इसमें आम डाल देना है जो आपने काट के रखा हुआ था। 1 चम्मच आपको इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, इससे इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 चम्मच आपको इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें नमक डालना है, और वो मसाला डाल देना है जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। अब बस आपको सभी चीजों को मिला लेना है। अगर आप इस अचार को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखने वाले हो, तो इसमें जो तेल की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा देना, ताकि जो आपका अचार है वो बहुत दिनों तक चल सके। और ये देखिए, हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा अचार बनके भी रेडी हो गया, और आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करके देखना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।